हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विलेज व्लॉग। आई होप दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। सो फ्रेंड, आज हम हैं एक ऐसे स्विमिंग पूल में जो कि काफ़ी खतरनाक तरीके से है। आप देख ही सकते हैं इसकी गहराई कितनी है। तो चलिए अभी ब्लॉग को लास्ट तक देखिए, काफ़ी मज़ा। ये देखिए दोस्तों, दो लोग बिल्कुल पानी के कीड़े जैसे टहल रहे हैं इसमें। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम पानी में हैं या ज़मीन पे हैं। एक उधर टहल रहा है तो दोस्तों काफ़ी मज़े ले रहे हैं दोनों लोग। सो फ्रेंड, क्या है, हम लोग सिटी में काफ़ी बड़े बड़े स्विमिंग पूल में नहाए थे, लेकिन क्या है दोस्तों, आज आ चुके थे गाँव में। तो मैं सोचा कि एक बार इसमें भी घुस के देखा जाए कि इसकी गहराई कितनी है। तो नहाने में भी काफ़ी मज़ा आया इसमें, और हम लोग लगभग तकरीबन 2 से 2.5 घंटे इसमें नहाए। 2-3 लोग थे, और पानी जो आप देख रहे हैं साफ़ ही पानी था, कोई गंदा पानी नहीं था। और ये देखिए, एक इसके बगल में बड़ा वाला तालाब है। क्या है, इसमें पानी नहीं है। लगभग इसका काम अभी चल रहा है, 10 से 15 दिन में इसमें भी पानी हो जाएगा। तो इसमें तो फ्रेंड, ये आप मज़े देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ इसमें नहा रहे हैं। शायद कोई नहाया होगा, क्योंकि जो कि जो बंदा गांव से होगा वही तालाब का मज़ा लिया होगा। बाकी क्या, स्विमिंग पूल में तो सभी लोग नहाते हैं। अच्छा, एक सवाल और आपके मन में आता होगा कि ये तालाब के ऊपर जाली क्यों लगाए हैं। बता दें कि इसमें मछली है, और मछली काफ़ी बड़ी बड़ी साइज की हैं। अभी जब हम लोग इसमें नहा रहे थे ना, तो पैर में काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ, जैसे वो अपने पूछ से क्या है मारती नहीं है, वैसे बिहेव कर रही थी। सो फ्रेंड, ये क्या है, ये हमारे घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पे होगा मैक्सिमम। और जैसा कि यहाँ पे आप हरियाली देख ही सकते हैं, चारों तरफ क्या है, यहाँ पे पेड़ ही पेड़ हैं, और पानी यहाँ पे ठंडा रहता है बिल्कुल। और 4-5 लोग ये हमारे साथ आए थे नहाने के लिए, सभी लोग नहा के निकल गए हैं और हम भी निकल गए हैं। और अब हम चल रहे हैं घर के तरफ सीधे। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, बहुत ही छाया रहता है गर्मियों के दिनों में। हम लोग यहीं पर रहते हैं, लगभग पूरा दिन तो यहीं पे बीतता है, और मज़ा भी काफ़ी आता है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में सभी लोग इकट्ठा भी होते हैं। और देखिएगा आप ब्लॉग को। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे घर की तरफ। दोस्तों, यहाँ की सबसे खास चीज़ ये है कि तालाब से निकलने के बाद जड़ी दिया जाता है। ये देखिए, जड़ी खा रहे हैं। जड़ी खाने से क्या होता है, बीमार नहीं पड़ेंगे। और यहाँ के सबसे आपको हम पहले मिलवाते हैं तालाब के जो मालिक हैं। ये देखिए, तालाब के मालिक बैठे हैं। चलिए हम चलते हैं।